हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको प्रॉमिस था, और मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसकी वजह से एक दो दिन क्लास नहीं आई होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये मई की क्लास है, अप्रैल तक की हो चुकी है, और मई प्लस जून चलेगा सिंगल वीडियो में, एक ही वीडियो में, मतलब एक एक वीडियो चलेगा। उसके बाद से आपको फैक्चुअल ज़्यादा डेटा मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कवर करना होगा, तो उस हिसाब से डेटा चलेंगे। तो आज आपको मिल जा रहा है मई का, और सैटरडे संडे के बीच में आपको मिल जाएगा जून की क्लास। फिर उसके बाद जो होगी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, इसमें आपको डेटा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगे, और फैक्चुअल डेटा भी प्लस होंगे, और प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी होंगी जो कि उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, क्योंकि उम्मीद है कि इस मंथ में आपको एग्ज़ाम डेट भी मिल जाए, और ज़्यादा डिले नहीं होगा एग्ज़ाम में। आपको पता है कि आईबी काफ़ी तेज़ कराता है, और मैं आईबी के हिसाब से पहले कंप्लीट कराऊंगा, फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा सीएसआईआर के लिए भी बढ़ाता रहूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं लाऊंगा, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुआ, ये सब चीज़ें मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। और बाकी ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, सिविल सेवा नाम से ही है। और बाकी किसी चीज़ की भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं ना वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो मैंने सारे कवर किए हैं। तो ये मत सोचिए कि आपको चीज़ें कम मिलेंगी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी एग्जाम में आ सकती हैं, वो मैं सारे कवर कर रहा हूँ, पीछे के भी, ठीक है। इंडियाज वॉज रैंक 161 आउट ऑफ 180 कंट्री। 180 में भारत का रैंक है 61। इसके पहले इंडिया कितना रैंक था? 150 था, ठीक है। अब देख लेते हैं नेवर कंट्री का क्या स्थिति है। नेवर में श्रीलंका 135 है, पाकिस्तान 150 है, 152 है क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, और 163 है बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश हमसे नीचे है, बाकी सब ऊपर ही है। और इन सिक्योरिटी इंडिकेटर इंडिया का 172 रैंक है, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, और चाइना और मेक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन और यूक्रेन, म्यांमार बिलो इंडिया है, यही बस कंट्रियाँ हैं जो, क्योंकि और इनमें देखा जाए तो कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले, ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें ये कंट्रियाँ पीछे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन टॉप पे है। तो नॉर्वे हमेशा टॉप पे रहता है। देखिए आपको मैं बता दूं, जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ हैं ना, मतलब इधर नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, ये सब जो कंट्रियाँ हैं, ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेंगी इन सब इंडेक्स में, ठीक है। जैसे कुछ जगहों पे आपको सिंगापुर भी मिलेगा, तो बाकी चीज़ों में आप समझ जाइएगा। अगर ना याद हो टॉप पूछे तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, अरे सॉरी स्विट्जरलैंड भी कुछ में रहता है, कम में, फिनलैंड, इन चीज़ों में आप मार सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। अब ये कौन पब्लिश करता है? तो ये है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर करके एक संस्था है, वो इसको पब्लिश करती है, एनजीओ है। और ये क्या है कि पब्लिश कब हुआ? 3 मई को, वर्ल्ड फ्रीडम डे पे, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे। और पहली चीज मैं बता दूं, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अपने से अच्छा है स्थिति, अफगानिस्तान में अपने से अच्छा है, बांग्लादेश में अपने से अच्छा है, मतलब बांग्लादेश वैसे भी खराब है, लेकिन एक देखिए सिनेरियो होता है, कुछ एजेंडास होते हैं जिसपे कि गवर्नमेंट जो फॉरेन की चीजें होती है उस पर वर्क करती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी समय पे अनुसार बदलती रहती है, गवर्नमेंट के अनुसार भी चीजें चलती रहती है। तो बहुत चीजों पे इमोशनली मत लीजिएगा चीजों को, ठीक है। इतना याद रख लीजिए कि टॉप पे कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, और कौन पब्लिश करता है, तीन चीजें आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिजनेस रेडी रेडी प्रोजेक्ट, इसको कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप लॉन्च बाई लॉन्च बिजनेस रेडी, ठीक है, बी रेडी प्रोजेक्ट। अब एकदम इसका इजी क्वेश्चन बनेगा, हु लॉन्च दिस, ठीक है, हु लॉन्च दिस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। अब इसमें आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये क्वेश्चन इजी से आएगा। बिजनेस रेडी रिफ्लेक्ट अ मोर बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो इस वजह से थोड़ा सा वॉइस में आपको इशू मिल सकता है, ठीक है, क्लियरिटीज थोड़ी सी कम आएंगी, ठंडी का समय आपको पता ही है, तो थोड़ी सी सर्दी का इशू है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और मैंने छोटी सी पॉइंट दे दिया, अगर इसमें से आपको आवश्यकता हो तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पे बन सकता है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे दिमाग में रखते हुए, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा जी है, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन ओरिजिन के पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो कौन है? अजय बंगा जी हैं। एक्चुअली वो इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडिया के हैं, लेकिन अब वो इस समय अमेरिका में है। पहले क्या थे ये? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IRBD बोला जाता है। एक्चुअली में ये सब पार्टी है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है,
और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का, ठीक है? तो ये सब पार्ट ही है वर्ल्ड बैंक का, तो इसमें कुछ अलग बातें नहीं है, अब उसी को ओवरऑल प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है, कौन ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है ज्वाइंटली इंडियन बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और इंडियन फाउंडेशन और न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक। थीम क्या थी? पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेसिलियंस फ्यूचर, ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा देखिए नेगेटिव टर्म होगा ना तो कोई भी थीम नहीं होता है, तो पीस प्रॉस्पेरिटी जैसी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो वो चीज़ें आप थीम में अगर हैं तो उस पर प्रिफर करिएगा। थोड़ा सा इस समय जो सिनेरियो चल रहा है थीम में वो ग्रीनरी से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है? तो इन्वायरमेंट से अगर रिलेटेड है तो ग्रीनरी से रिलेटेड होगा, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सस्टेनेबल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, ठीक है? डेवलपमेंट, सॉरी, डेवलपमेंट, ठीक है? सस्टे, सॉरी, स्पेलिंग पे थोड़ा सा इशू है, तो इस चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है? इसको कौन लॉन्च करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इसको लॉन्च करती है, विवाद से विश्वास स्कीम, प्रोवाइडेड फॉर रिलीफ फॉर MSME, ठीक है? MSME इसको वो करती है फॉर COVID-19 के लिए, मतलब देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है COVID-19 के टाइम पे आया है, और बाकी मैं इसको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा कि इसको लॉन्च कौन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस स्कीम में बहुत ज़्यादा नहीं, यूनियन बजट 2023-24 में ये हुआ है, ठीक है? स्टार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम है खुर्रम सर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है? अब ये कौन लॉन्च किया है? तो ईरान, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि विच कंट्री लॉन्च दिस, ठीक है? या व्हाट इज दिस, ठीक है? खुर्रम सार, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हैं, ये 4th जनरेशन की लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है और इसका नाम रखा है खीबर, खीबर, ठीक है? खैबर करके हो सकता है, वहाँ एक जगह भी है। और इसका रेंज कितना है? 2000 किलोमीटर है। तो दिमाग में ये चीज़ें रखिए कि ये कहाँ की है, ईरान की है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ कि आपने, आपको मैंने क्लास में एक बताया था, लास्ट की लास्ट क्लास में शायद बताया था मैंने कि नॉर्थ कोरिया ने एक लॉन्च किया है वेपन, ठीक है? वेपन लॉन्च किया है, अब उसका नाम बता दीजिए मुझे, बस नहीं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कुछ लोग बता रहे हैं और उनका मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा वो मेहनत कर रहे हैं। और इस देखिए ये चीज़ें मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं बताने को सब बता दूँ यहाँ पे, लेकिन चीज़ें आपको कैसे याद होंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो इसलिए मैं चीज़ों को ये रखता हूँ कि कुछ चीज़ें आप बोलिए, लिखिए, और अगर आप लिखते हैं ना तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि वो अगर एग्जाम में आया तो आप नहीं भूलेंगे एटलीस्ट, ठीक है? तो इसलिए मैं चीज़ों को बताता रहता हूँ और बोल पूछता रहता हूँ आपसे, जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया भी, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है? अब देखिए बात करते हैं एक्साइज इन न्यूज, अब कौन कौन सी एक्साइज न्यूज में थी? समुद्र शक्ति 23, इट इज एन इंडोनेशियन, इंडिया और इंडोनेशियन की बायलेटरल एक्साइज है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, जल राहत तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए कि फ्लड रिलीफ के लिए है और लगभग लगभग सारी इसको जो है ना, मतलब कि जल से रिलेटेड है, तो वैसे तो जो चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए वो है नहीं यहाँ पे। इंडियन आर्मी है यहाँ पे, SSB है, नेशनल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स NDRF है, NDRF रिलेटेड होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, DDMA है, और पुलिस रिप्रेजेंटेटिव है, और ये कहाँ हुआ है, आसाम में हुआ है, ठीक है? बस इतना ही याद रखिए, मानस मानस रिवर पे। अब एक है मरीटाइम एक्साइज अल मोहम्मद अल हिंद 23, अब अल हिंद से लग रहा है ना थोड़ा सा मुस्लिम कंट्री भी इन्वॉल्व होगी इसमें, तो इंडियन नेवी के साथ कौन है, सऊदी की नेवी है, रॉयल सऊदी नेवी, ठीक है? इतना याद रखिए, इस महीने में यही इंपॉर्टेंट थी। इस PDF को जरूर देखिएगा, और जितनी भी एक्साइज मैं हर क्लास में करा रहा हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 5 एटलीस्ट एवरेज करा रहा हूँ, और अब तक मुझे लगता है कि मैंने 20 से 25 एक्साइज की बात डिफेंस पे मैं कर चुका हूँगा, और मत भूलिए 2 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे, देख लीजिएगा एग्जाम के समय में हर शिफ्ट में आएंगे, ठीक है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, अब इज अ वन ऑफ द अमंग द 9 फ्लाईवे आइडेंटिकली, मतलब देखिए क्या है ना कि ये देखिए पक्षियों का ना एक रेंज होता है कि यहाँ से ऐसे फ्लाई करती है, यहाँ से ऐसे फ्लाई करती है, मैं देखिए इमेज भी सेट किया हूँ, ये देखिए फ्लाईज वे है 9, टोटल 9 है, देखिए ये सेंट्रल एशिया फ्लाई वे है, ठीक है? ये एशिया वाला रेंज है ना, तो ये सेंट्रल एशिया वाला फ्लाई रेंज है, ऐसे ऐसे इन जगहों पे वो फ्लाई करती हैं, ठीक है? फिर एक है ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, फिर है एक वेस्ट एशियन, आप देख सकते हैं सारे फ्लाईवे, ठीक है? मिसिसिपी वाला है, अटलांटिक फ्लाईवे है, वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे है, पैसिफिक अमेरिकन फ्लाईवे है।
अब उसी में एक ये आया है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कन्वेंशन के बारे में, तो उसमें बात हुई है कि किससे रिलेटेड है, तो ये बोन कन्वेंशन से रिलेटेड है। अब आपको मैं पूछ दूं कि जैसे जो ये फ्लाई होते हैं ना, जो मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह वो बर्ड फ्लाई होती है, माइग्रेटरी ब्लड ब्लड अरे सॉरी बर्ड होती है, स्पीसीज होती है, वो किस कन्वेंशन के तहत है? तो वो है बोन कन्वेंशन के तहत। ठीक है, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन क्या है, देखिए मैं बात कर लेता हूँ पहले स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉक कन्वेंशन, माफ कीजिएगा, कन्वेंशन। ठीक है, अब ये किस लिए है? तो ये है पीओपी के लिए फेमस है। एक सेकेंड, पीओपी के लिए फेमस है। पीओपी मतलब क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ठीक है आप समझ जाइएगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, पॉल्यूटेंट इसी को बोलते हैं पीओपी। ठीक है, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन में रिलेटेड। अब ये कब शुरू हुआ है? ये 2001 जिनेवा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, थोड़ा इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, रिमूव, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड मैं इसको, ठीक है थोड़ा सा इशू आ गया, चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। स्टॉकहोम हो गया। अब देखिए आपको पता होगा एक कन्वेंशन हुआ था सीबीडी का, क्या किसका हुआ था? सीबीडी, ये क्या है? सीबीडी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे है। अब ये किस लिए कन्वेंशन था और कब हुआ? ये देखिए हुआ क्या, ये मतलब अडॉप्ट किया गया वो था 1992, लेकिन ये जो एक्शन में आया वो आया 1993 में, ये दिमाग में आप रख लीजिए। और ये किस लिए था? डाइवर्सिटी के लिए था। बोन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और, बोन कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ है? तो बोन कन्वेंशन के साथ था कि ये आया जो था, एक सेकेंड, बोन कन्वेंशन जो आया था वो आया था 1979 में, लेकिन ये हम स्टार्ट एक्शन में कब आया? 1983 में, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैंने सीबीडी बता दिया आपको, स्टॉकहोम बता दिया और बोन बता दिया। अब आता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ना मैं बता दे रहा हूँ, एक जगह आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन पे क्या है? वियना कन्वेंशन है किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए, दिमाग में आप रख लीजिएगा। यार ये क्यों इशू आ रहा है? ठीक है, ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर के लिए। अब ये कब आया? जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 85 में, 1985 में ये अडॉप्ट किया गया, लेकिन लागू कब हुआ है? तो 1988 में। अब अगर सीक्वेंस पूछ दे तो सबसे पहले कौन सा है? बोन है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है आप बताएंगे? उसके बाद वियना है। उसके बाद कौन सा है? सीबीडी है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? जो आपका लास्ट अभी मैंने बताया था वो है। ठीक है, कौन सा बताया था? सीबीडी बता दिया था ना 92, और मैंने स्टॉकहोम बता दिया था, हाँ लास्ट स्टॉकहोम है। ठीक है, स्टॉकहोम। तो ये है, अब ईयर आपको बताना है। ईयर आपको मैंने बता दिया कि ये 79 है, अडॉप्ट का ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, वियना का आपको मैंने बताया था कि 85 है। ठीक है, वियना का 85 है, सीबीडी का 92 है, और स्टॉकहोम का कितना है? 2000, 2000 कितना है? 1 में अडॉप्ट हुआ था, और इसका मैंने शायद बताया नहीं था कब लागू हुआ था, तो 2004 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से क्लियर है। और जो कुछ बचे हैं मैं आपसे पूछ देता हूं कि साइट्स का आप बताएंगे, कौन कौन सी का बताएंगे आप? देखिए ये आपके लिए होगा होमवर्क, साइट्स का आप बताएंगे कि साइट्स का क्या कन्वेंशन है और क्यों है। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि मॉन्ट्रियल तो आपसे मैंने पूछ ही लिया था, कोटो पूछ ही लिया था, तो अब इतना ही रखते हैं कि कम से कम साइट्स आप बता दीजिए। ठीक है, साइट्स बता दीजिए और किस ईयर में हुआ था ये भी मुझे जानना है आपसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं टाइगर ट्रांसलोकेशन पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और मतलब मैं किस सेंस में इंपॉर्टेंट वो चीज़ें मैं आपसे बता दूंगा। तो देखिए पहली चीज़ कि टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट कब इनिशिएट हुआ? 2018 में। और पहली चीज़ ये टाइगर रिलोकेशन जो हुआ ना वो फेल्ड हो गया है,
वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ जो हमारे मतलब कि बच्चे थे टाइगर के, उसको दूसरी जगह पे रखा गया और कुछ बड़े बिग कैट को भी रखा, मतलब जो एक एज थी उनकी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए और वहाँ पे वो चीज़ें नहीं चल पाई, इसलिए वो चीज़ नहीं फ्लॉप हो गई। क्योंकि बहुत जगह पे क्या हुआ ना, डेंसिटी बहुत हाई हो जा रही है टाइगर की, तो उस वजह से उनके में आपसी क्लैश बहुत ज़्यादा रहा होगा। आपको पता होगा कि एक राजस्थान में दो क्या बोलते हैं वो हैं टाइग्रेस हैं, और उनकी आपस में ही लड़ाई चलती है, ठीक है, आपस में ही लड़ाई चलती है, और एक्चुअली वो माँ बेटी हैं, तो उनको थोड़ा सा दूर रखा जाता है, आपस में ही लड़ाई चलती है वर्चस्व की, तो उनके में काफ़ी वर्चस्व की लड़ाई। और आपको पता होगा टाइगर जहाँ रहते हैं लगभग अकेले ही रहते हैं, तो ये भी एक इशू है। तो ठीक है, पहली चीज़ ये बता दे रहा हूँ आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जहाँ पे कि मतलब ये ट्रांसलोकेशन का यही पूरा जिम्मा उठा के रखी थी, और बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ कि टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वो है इंडिया में, तो इंडिया टॉप पे है, ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए। अब इंडिया में टॉप पे कौन है, तो इंडिया में टॉप पे है MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी जनता है, 526 टाइगर की। सेकेंड पे कौन है, कर्नाटका, कितनी जनता है, 524, बहुत ही क्लोज फाइट है। थर्ड पे कौन है, उत्तराखंड, जिसकी कितनी है, 442। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया कि अंदर आती है। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 पे आता है, जो कि बाकी मैंने आपको बताया था टाइगर का, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट लायन का बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट बता चुका हूँ, ठीक है, और ये सब तो आपको बता दिया हूँ किस ईयर में आया, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पे आता हूँ, बाओबस करके एक ट्री मिला है, जो कि इसका नेटिव क्या है, मतलब मिला नहीं है, है पहले से, अफ्रीका मेडगेस्कर है। मेडगेस्कर वाला पार्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको, अगर मैप में दिखेगा तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये अफ्रीका है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये है मेडगेस्कर का पार्ट। एक्चुअली ये पहले ना, आप अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और पहले इंडिया भी देखिए यहीं का पार्ट था। इंडिया को अगर आप जोड़ेंगे तो इंडिया भी, जैसे ये देखिए ना, टूट टूट के बने हैं, तो ये इंडिया भी अगर आप जोड़ेंगे तो यहीं पे आके आपको मिला हुआ मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है ना, इंडिया का ये वाला पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, और ये अमेरिका भी यहीं पे आपको जुड़ा हुआ, अरे सॉरी, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं पे जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए ये जो प्लेट है ना, गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है, इसका भी पार्ट है गोंडवाना लैंड में। ज्योग्राफी की बात हो गई, मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया, तो मेडगास्कर यहाँ पे है, ठीक है, मैप से अगर देखेंगे आप तो। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, मैं अगर डीप में जाऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा टाइम ले लेंगी, इसलिए मैं जब बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मेडगास्कर का है, और ये IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड पे है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इसको GI टैग दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पूछ दिया किस गवर्नमेंट ने टैग दिया है, किस स्टेट ने दिया है बॉबस को, तो ये दिमाग में रखिएगा, MP ने, जहाँ पे अभी। अब आपका एक और टास्क मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं इस पर। अब MP में आपको बताना है कि कौन स्पीकर बना, कौन CM बना, ठीक है, और कौन अगर डिप्टी CM कहीं बना तो वो भी, ठीक है। अब कहाँ कहाँ का ये बताना है आपको, MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये तीन राज्यों का आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है, CM, डिप्टी CM और स्पीकर कौन है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट पे आते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिड्यूसिंग स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कॉर्सिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने इसको रख दिया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे मैं फोकस कर दे रहा हूँ। पहली चीज़, अनाउंस दैट इंडिया विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज़ कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने लगा है, इसमें, इन ऑर्डर टू माइग्रेट कार्बन इमिशन फ्रॉम एविएशन। अब क्या है, इसमें कार्बन का इमिशन जो हो रहा है एविएशन से, जो मतलब फ्लाइट उड़ती हैं उनसे, उनकी बात की जा रही है, और इसका गोल क्या है, 2% एनुअल फ्यूल इफिशियंसी इंप्रूवमेंट थ्रू 2050, और कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ 0 2050। अब क्या करना चाहते हैं ना, कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं, मतलब उतना ही कार्बन उपजाऊ हो जितना कार्बन हम लोग लॉस कर रहे हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ना, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, बहुत इजी टास्क, मतलब बहुत इजी चीज़ है, मैं अभी बताने को बता दूं, अगर किसी को नहीं इशू होगा, मतलब नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, मैं अगले क्लास में आपको वो डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता दूंगा, वो चीज़ें आपको बता दूंगा। वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल इन मैक्सिको, ये मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि सेकंड डीपेस्ट वर्ल्ड ब्लू होल कहाँ मिला है, मेक्सिको में। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अगर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डीप में जाते जाएंगे, ठीक है, तो इतना जानिए। और डीपेस्ट कहाँ है, ड्रैगन होल लॉन्गडॉन इन डीपेस्ट ब्लू होल अर्थ सिचुएटेड इन साउथ चाइना सी। तो पहला कहाँ है, साउथ चाइना सी, दूसरा कहाँ है, मैक्सिको में मिला है, कहाँ पे, यूकान पेनिसुला इन मैक्सिको,
पेनिनसुला इन मैक्सिको, मैसिव अंडर वाटर सिंक होल है, ठीक है। इमेज भी आपको दिख रही होगी। मतलब ब्लैक होल क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कि ग्रेविटी बहुत हाई होती है उसी को वो बोला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद आपको चीज़ें ना मिल सके, ठीक है। ग्रेविटी, आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं कि ग्रेविटी हाई होती है ब्लैक होल पे, ठीक है। अगर मैं देखिए, अब मेरे साथ यही है ना, मैं बताने लगूंगा तो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता हूँ। इतना ही जानिए कि ग्रेविटी बहुत हाई होती है उस जगह पे जहाँ पे कि ब्लैक होल बनता है। पोषण भी, पढ़ाई भी इसकी, किसने लॉन्च किया है। अब देखिए पोषण किससे रिलेटेड लग रहा है, किसको पोषण की जरूरत होती है, खासकर चाइल्ड को, ठीक है। पढ़ाई किसको जरूरत होती है, चाइल्ड को, पोषण माँ को भी जरूरत होती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लॉन्च पोषण भी, पढ़ाई भी। अब इस पे क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो दिमाग में रख लीजिए ये चीज़ें, काफ़ी ईजी है, ठीक है। इमेज भी मैंने कर लिया है, क्रिएट रहेगी आपको कि खाना भी मिले आपको और क्या बोलते हैं, पोषण भी हो आपका, ठीक है, पढ़ाई भी हो आपका, ठीक है, खाना भी मिले, पढ़ाई भी हो, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आप रखिए। देखिए ये है एक्सपोसैट, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। आपको पता हो ही होगा इसरो के बारे में, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसने क्या किया है, कोलेबरेटिंग विथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु टू बिल्ड एक्सपो सैट विच इज लॉन्च लेटर इन 2023, 2023 के लास्ट में लॉन्च होना था। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अगर लगे तो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं वैसे, ठीक है। पोलरमेट्री मिशन है ये, स्टडी वेरियस डायनेमिक ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। तो मतलब देखिए एक्सरे रिलेटेड है, दिमाग में पूछ दिया किससे है, तो एक्सरे से रिलेटेड है, इतना दिमाग में रख लीजिए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए कि दिमाग में रहे, अगर क्वेश्चन इन केस आ गया तो आप इसको कर सकते हैं, और ऊपर से आएगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये है, ये देखिए बात हो रही है मे की, और अपना क्या हुआ है, अपना चंद्रयान लॉन्च हुआ है कब, कब लॉन्च हुआ है, जुलाई, जुलाई में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो तब की न्यूज है उसके हिसाब से ये चलिए चल रहा है, ठीक है। तो जापान ने क्या किया है, उसने अपना प्राइवेट मून लैंडिंग कराया है, लेकिन जो कि वो फेल हो गया, जिससे इससे पहले अपना फेल हो गया था, उसका नाम क्या था, हकुतो आर, मिशन M1, ठीक है, मिशन वन। अब क्या हुआ, इस समय तक कौन कौन था, यूएस, यूएसएसआर, चाइना, लेकिन अब क्या हो गया, इंडिया भी हो गया है सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, ठीक है। और अब अगर देखा जाए, बात किया जाए कि साउथ पोल पे नंबर वन पे कौन है, साउथ पोल पे नंबर वन पे कौन है, तो साउथ पोल पे हमारा भारत है, भारत, ठीक है, हमारा भारत है, दिमाग में रख लीजिएगा ये चीज। साउथ पोल पे नंबर वन है ओवरऑल, चौथे पे है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराया है, किसके बाद, यूएसए और चाइना, सॉरी सोवियत यूनियन, मतलब जो कि कह सकते हैं यूएसए, अरे रसिया और चाइना, पहले यूएसएसआर नाम था ना, तो 1991 के बाद वो टूटा है, उसके बाद चीजें बदली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मॉन्की पॉक्स। अब मॉन्की पॉक्स के बारे में क्या है, देखिए पहली चीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इंडेड द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर एमपॉक्स, इसने इंड कर दिया है कि ग्लोबल इमरजेंसी नहीं बची। ये क्या है, वायरल डिजीज है, इट इज स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब ये भी जैसे क्या है ना, कंटिमेंटेड टाइप का है कि तुरंत आप टच करेंगे फैल जाएगा। सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर है, रेसेस है, सेलुइन है, सिंपेटिक है, मतलब बहुत सारे हेडेक है। करेंटली नो अप्रूव्ड एंटी वायरल ट्रीटमेंट, कोई इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पहली चीज WHO ने इसको कैंसिल कर दिया कि भाई अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इमरजेंसी नहीं है इसके लिए। और ये क्या है, एक वायरल डिजीज है, कैसे फैलता है, टचोच से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थुंगनाथ टेम्पल। थुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वेयर इज द थुंगनाथ टेम्पल सिचुएटेड, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है उत्तराखंड में। अब ये क्या है ना, माना जाता है 1000 साल पुराना है, और माना जाता है अर्जुना जो पांडव के पांच भाई थे, जिसमें तीसरे नंबर पे जो थे अर्जुन थे, ठीक है, थर्ड नंबर वाले अर्जुन थे, उनकी बात की जा रही है कि अर्जुन ने इसको बनवाया था। ये हाईएस्ट शिव टेम्पल है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इतने ऊंचाई पे कोई शिव टेम्पल नहीं बना है, पहली चीज। अब देखिए पांच पांडव का आपको पता होगा कौन कौन थे, ठीक है, तो पहले युधिष्ठिर थे, दूसरे पे भीम जी थे, तीसरे पे अर्जुन थे, चौथे पे नकुल, और पांचवें पे सहदेव, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये चीजें रही हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं कि तृतीया केदार में इसको मतलब कि रखा गया है, पहली चीज, और पंच केदार में कौन कौन से पांच हैं, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, केदारनाथ है, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी दिमाग में रखिए, मदमहेश्वर है, और तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, और कल्पनाथ है, ठीक है, इतना ही दिमाग में रखिए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ है, न्यूज़ में था इसलिए रख दिया गया, ठीक है। गोन गदी सॉल करके है, गोन गदी एक ट्रेडिशनल वूलन ब्लैंकेट है, जो कि कुरुमा और कुरुबा
मतलब कि वहाँ की कम्युनिटी है वो बनाती है इस चीज़ को, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कम्युनिटी? कुरबा एंड कुरुमा, ठीक है। वूल ऑफ द इंडिजीनियस डेक्कनी स्लीप, मतलब ये वहाँ के स्लीप्स हैं, उन्हीं के द्वारा निकाल के वो चीज़ें को बनाते हैं, तो इतना दिमाग में रखिए, और बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए घुसना नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, चम लामा डांस। चम लामा डांस कहाँ का है? एक तिब्बतन बुद्धिस्ट डांस है, एक यूनिक स्टाइल है। इमेज आप देख सकते हैं, कुछ अजीब सा मतलब डरावना सा इमेज रहेगा, फिगर रहेगा, उसको पहन के लोग डांस करते हैं। और अगर पूछ दिया कि चम लामा डांस किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सॉरी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं, सवाल यही बन सकते हैं मैक्सिमम। गोविंद स्वरूप अवार्ड किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। गेट फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुणे में, ठीक है। किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना याद रखिएगा। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप वॉज फाउंडर ऑफ द इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ये दिमाग में चीजें रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें रख लीजिए किसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने का उसका दो कारण है। पहले चीज की ये स्कीम अभी भी न्यूज में थी, मतलब ये बाई ईयर ईयर चलती रही है ये न्यूज में, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट जानना आपका जरूरी है, जो कि हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए रीजनल कनेक्टिविटी के लिए था, इसका 5.0 लॉन्च हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी जिसमें कि आपको कम पैसे में आप उड़ सकते हैं हवाई जहाज में, उसकी बात की गई थी। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2016 में, ठीक है। इसका मतलब कि और इसको कौन स्कीम को मतलब पूरा प्रीव्यू कर रहा था, तो वो सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई कर रहा था, और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी। बाकी कुछ एयर कवर हो रहा है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कवर हो रही हैं। ठीक है, प्लस बहुत सारी जो रिलेटेड हैं मतलब अवार्ड्स हैं, ठीक है, और नेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स, सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए फैक्ट पे आपको बिलीव करना होगा और कुछ रट्टा आपको मारना होगा, जो भी उससे रिलेटेड है उन चीज़ों को भी मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।